Now we will see water danger plan. Under regulation 65 subregulation 1 clause G and regulation 65 subregulation 3. आपको इतना ढेर सारा 19 को प्लान दे दिया, हम बताए ना प्लान टाइप्स ऑफ प्लान टू बी मेंटेन अंडर डिफरेंट स्टेचुटरी प्रोविजंस, हाँ वहां पे भी कुछ कुछ बहुत सारा चीज बताए, 19 टाइप के प्लान बता दिए। रेगुलेशन में आपका एक है सेंट्रल एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 से, फिर बाकी आपका एक रूल बताया था वहां रेस्क्यू रूल से, 19 को प्लान क्या जरूरत था बाबू, यूटिलिटी है इनका कोई, मतलब उपयोगिता है? है हाँ है, तब न दिया है, अदरवाइज यदि एक प्लान पर सारे डिटेल्स को बनाने लगा दिया जाए किसी सर्वेयर को तो वो पागलखाना चले जाएगा और जो देखेगा उसको वो भी पागलखाना चले जाएगा। इसलिए डिफरेंट पर्पज से डिफरेंट टाइप के प्लान हमको बना के रखना है ताकि हम बहुत कम समय में जो हमारी जरूरत की चीजें उसको समझ ले। इसलिए 19 टाइप के प्लान स्ट्रक्चरली मेंटेन करना होता है। सरफेस डिटेल्स दिखा रहा, सरफेस प्लान में दिखा दिया, यदि कॉमन बाउंड्री या डिस्प्यूटेड बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर वर्किंग आ गया तो ज्वाइंट सर्वे प्लान बना दिया। यदि आपका कोई दो सीम या सेक्शन के बीच 9 मीटर से कम डिस्टेंस है तो वहां पे कंबाइंड प्लान बना दिया और अलग दोनों सीम या सेक्शन के वर्किंग को अलग अलग कलर में दिखाया जाता है कंबाइंड प्लान में। अंडरग्राउंड डिटेल दिखाना है तो अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन से संबंधित चीजों को दिखाना है, डिटेल्स ऑफ वेंटिलेशन का दिखाना है तो वेंटिलेशन प्लान बना दिया। जियोलॉजिकल फीचर्स बताना है तो जियोलॉजिकल प्लान बना दिया, ठीक है। डस्ट डस्ट से संबंधित चीजें तो डस्ट सैंपलिंग प्लान बना दिया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लान है, आप लोग बोलते रहते थे ना कि वो सर प्लान वाला नहीं मिल रहा था, प्लान वाला सब मिल जा रहा है ना, पूरा बताएंगे। तो ये वाटर डेंजर प्लान नाम क्या है इसका, वाटर डेंजर प्लान मतलब वाटर से खतरा, कितने टाइप का वाटर होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, एक सरफेस वाटर होता है एक अंडरग्राउंड वाटर होता है। मतलब सरफेस पे जो वाटर है नदी में नाला में झील में तालाब में कोई टैंक में, ठीक है, कोई रिजर्वायर में कोई वाटर डैम में, वो सरफेस वाटर हुआ। अंडरग्राउंड में क्या होगा, आपका सब में कोई आपने डैम या रिजर्वायर बना के रखा है वो सोसा वाटर हुआ ना अंडरग्राउंड में, और कोई वाटर लॉग आपका अंडरग्राउंड वर्किंग है, क्योंकि वाटर लॉग्ड अंडरग्राउंड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर में यदि हमको अप्रोच करना है तो वहां पर रेगुलेशन 150 लागू हो जाता, बताए होंगे कई बार, ठीक है। तो ये वाटर डेंजर प्लान में क्या दिखाएंगे, दो डिटेल्स दिखाते, कितना डिटेल्स इसमें जो लिखा हुआ बात में बता रहा, पहले सुन लीजिए, दो टाइप के डिटेल, एक डिटेल्स ऑफ वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज क्या होता है, नदी नाला झील तालाब, ठीक है, रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स वाटरमैन आपका कोई टैंक रिजर्वायर डैम वाटर लॉग ओपन कास्ट वर्किंग वाटर लॉग अंडरग्राउंड वर्किंग डैम अंडरग्राउंड डैम्स रिजर्वायर ऑल दिस टाइप्स आर नोन एज वाटर बॉडीज। तो डिटेल्स ऑफ वाटर बॉडीज रहेगा इसमें ताकि हम इनंडेशन के खतरे से बच सके। ये प्लान बनाने का क्या उद्देश्य है, टू गार्ड अगेंस्ट द इनंडेशन बोथ फ्रॉम सरफेस वाटर एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर। तो एक वाटर बॉडीज का डिटेल रहेगा इसमें, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा बाबू, अंडरग्राउंड प्लान का डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स ऑफ अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान हम बता चुके हैं, उसका भी दो लाइन बता देंगे, ठीक है। तो मेन महत्वपूर्ण चीज क्या है, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट डिटेल्स ऑफ वाटर बॉडीज, ऐसा आपको रेगुलेशन के बुक में क्लासिफाइड नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को डिलीवर करने के लिए हम अपना जो बुद्धि है विवेक है उसके हिसाब से आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ वाटर बॉडीज में चार गो बात है, कितना बात है, चार गो बात है। पहली बात, हम चालू कास्ट करते चाहे आपका ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, सबसे पहले हम बात कभी भी करेंगे सरफेस से। आपका 65 वन में
वन का एम ए क्या दिया, सरफेस प्लान दिया, बाकी कोई प्लान दिया क्या? सबसे जरूरी चीज सब पहले सरफेस की ना बात आएगी, तो सरफेस के जितने भी वाटर बॉडीज है इंक्लूडिंग ड्रेनेज, इंक्लूडिंग वाटर ड्रेनेज में लिखा होगा, वहां लिखा होगा अलनाला रिवर वाटर कोर्स रिजर्वायर ड्रेनेज ऑन सरफेस, ऐसा लिखा होगा। हम उसी को क्या लिखा है, ऑल वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ड्रेनेज ऑन सरफेस आर बिलो ग्राउंड, सरफेस में जो भी ऑल वाटर बॉडीज है, जो भी पानी के बॉडीज है, ठीक है, वो चाहे सरफेस में हो चाहे अंडरग्राउंड में हो, कहां तक लिखे, मेरा माइंड बाउंड्री है, माइंड बाउंड्री के 200 मीटर तक, विद इन नहीं बोल रहा हूं, बाउंड्री के 200 मीटर अंदर तक नहीं, बाउंड्री के बाहर 200 मीटर तक, ये बोल रहा हूं। देखिए ऐसे लिखा हो कहीं, ये ऑल वाटर बॉडी नाला रिवर वाटर कोर्स टैंक ये सब जितने में मतलब पानी के स्रोत है, ठीक है, वो जिसमें ड्रेनेज भी शामिल है ऑन सरफेस आर बिलो ग्राउंड एग्जिस्टिंग अप टू 200 मीटर अप द बाउंड्री ऑफ द माइंड, मतलब बाउंड्री के बाहर 200 मीटर दूर तक जो भी ये सारे वाटर बॉडीज है जिसमें ड्रेनेज भी अंडरग्राउंड का हो चाहे सरफेस का हो, वो दिखाया जाएगा वाटर डेंजर प्लान में, ठीक है। ये पॉइंट सबको मालूम है तो दूसरा पॉइंट अपने आप पता चल जाए। दूसरे बात में और क्या बोलता, यहां सोर्सेस ऑफ वाटर बोलता, यहां वाटर बॉडीज था जिसमें आपका टैंक भी हो गया, रिजर्वायर भी हो गया, ठीक है, वो सब आ जाएंगे, लेकिन वाटर सोर्स ऑफ वाटर में रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स ये आता है सोर्स ऑफ वाटर में। एवरी सोर्स ऑफ वाटर इंक्लूडिंग वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट वर्किंग, यही लिखा हुआ देखिए, एवरी सोर्स ऑफ वाटर इंक्लूडिंग वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट वर्किंग ऑन द सरफेस, सरफेस पर जितने भी सोर्स ऑफ वाटर है, नदी नाला झील तालाब, और इंक्लूडिंग वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट वर्किंग, यदि पानी से भरी हुई ओपन कास्ट वर्किंग है, यह भी खतरा पैदा करेगा चाहे ओपन कास्ट को करे चाहे अंडरग्राउंड को करे, मानो कोई ओपन कास्ट है उसके बगल में अंडरग्राउंड माइंस है, यह वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट है, इससे क्या हो सकता है, क्रैक व्रैक से पानी अंडरग्राउंड में जा सकता है या आपके बगल वाले ओपन कास्ट पे भी जा सकता है, इसलिए इसको भी दिखाना जरूरी है। हमको इसका पर्पस क्या है, टू गार्ड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ इनंडेशन, इनंडेशन से बचाव के लिए हम वाटर डेंजर प्लान बना के रखते हैं, ठीक है। ये तो सरफेस का बात हो गया, अंडरग्राउंड में क्या होगा, ऑल्सो आउटलाइन ऑफ ऑल वाटर लॉक वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, बी अब्लिक जी लिखा, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड मत बोलना बेटा, बिलो ग्राउंड लाइंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग्स मेजर इन एनी डायरेक्शन, ये वाला वर्ड को याद रखिएगा, क्या बोल रहा, पानी भरी हुई जगह, कोई भी काम की जगह के पानी हुई भरी जगह का जो आप डिस्टेंस बोल रहे विद इन 60 मीटर, तो वो किस डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, ऊपर नीचे अगले बगले सब तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तिरछा नीचे कहीं पर भी पानी यदि भरा हुआ है, वाटरलॉक्ड वर्किंग है, वो कोई भी वर्किंग से किसी भी डायरेक्शन में उसका आउटलाइन दिखाना होगा, क्योंकि वो खतरा कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। यदि मान लो मैं जहां खड़ा हूं, मान लो ये अंडरग्राउंड में खड़ा हूं मैं, ठीक है, टॉप से मैं खड़ा हूं, अब मेरा बॉटम से मैं पानी भरा हुआ है, और यदि यहां पार्किंग कम है तो क्या होगा, धस गया तो हम सीधा जल समाधि ले लेंगे, या मैं बॉटम से मैं खड़ा हुआ मान लिया जाए, टॉप से मैं पानी भरा हुआ है, वहां से क्रैक से या और दूसरे कारणों से या पार्टिंग पतला हो जाए, क्या होगा, पानी वहां से बॉटम से में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कारणों से जो भी वाटर लॉक हम जहां वर्किंग कर रहे उस कोई भी वर्किंग से यदि वाटर लॉक्ड वर्किंग कहीं पर है, उसके 60 मीटर के अंदर को उसके बाउंड्री को, वाटर लॉक्ड वर्किंग के बाउंड्री को हर डायरेक्शन से मेजर करके दिखाना होगा वाटर डेंजर प्लान में। एवरी रिजर्वायर और डैम आइदर अबो ग्राउंड और बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड में या सरफेस के ऊपर कोई रिजर्वायर या वाटर डैम है तो उसको भी दिखाना होगा, और द एचएफएल ऑफ द एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, द एचएफएल ऑफ द एरिया, उस एरिया का हाइएस्ट लेवल क्या है, ये रिकॉर्ड करके रखना होता है। और रेगुलेशन 149 को पढ़िएगा, उसमें भी लिखा है कि यदि
जब भारी बरसात होता है तो मैनेजर और अदर ऑफिशियल्स को घूम घूम के देखना है, और यदि वाटर लेवल जो पहले वाले रिकॉर्ड के की तुलना में बढ़ गया है तो पुराना वाला एचएफएल के बजाय अब जो बड़ा हुआ है उसको, उस न्यू एचएफएल को प्लान में मार्क कर देना और उसको मान के चलना, ऐसा बताया होगा 149 में, ठीक है। तो एचएफएल ऑफ द एरिया मालूम रहेगा तो हम सावधानी ले सकते हैं कि कब हमको डेंजर हो सकता है इनंडेशन से। तो ये चार दो बात है, किसका, डिटेल्स ऑफ वाटर बॉडीज का, ये वाटर डेंजर प्लान। दूसरा क्या बोला, अंडरग्राउंड प्लान का डिटेल। अंडरग्राउंड प्लान में क्या बताए थे, खासतौर से जो जरूरत का चीजों को वही ना वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे, अब हम वो अंडरग्राउंड प्लान का सब चीज नहीं दिखा देंगे, जो जरूरत का चीज है। आपको जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्या है, वीक प्लेन्स होता है, चाहे आपका फॉल्ट हो, डाइक तो कड़ा रहता है लेकिन उसके किनारे से पानी आ सकता है, ठीक है। तो जो डाइक है, फॉल्ट है और अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो भी है वो भी दिखाना होगा आपको प्लान में, वाटर डेंजर प्लान में। विथ अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रो एंड इट्स हेड, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, हम फिगर बना देते हैं इसका। बाबू क्या बोला, हमको अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या बताना होगा, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, उसमें आपका डाइक है, फॉल्ट है, अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी दिखाना है। और फॉल्ट में आपको क्या दिखाना है, अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रो एज वेल एज हेड। ये हेड किसको बोलते, इसको बोलते फॉल्ट प्लेन। ये मान लो एक मेरा कोलसिम था, ये क्या था, मेरा एक कोलसिम था, एक कोलसिम ये है, ठीक है। ये एक्चुअली कोलसिम यहां पर था, कहां पर था, यहां पर था, एक एग्जांपल ले रहे, हो सकता है यहां पर भी रहा हो ये कोलसिम, ये कोलसिम यहां पर था, कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आया और कट के कहां आ गया, यहां पर आ गया, कहां पे आ गया, इस जगह में आ गया, ठीक है। मतलब फॉल्ट पैदा हो गया, फॉल्ट किसको बोलते हैं, दुर्गुण, खराबी, मतलब सीम में क्या हो गया, फॉल्ट पैदा हो गया। फॉल्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल सीम, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल सीम आर एनी रॉक बेड ड्यू टू एनी टेक्टोनिक एक्टिविटीज, दैट इज नोन एज फॉल्ट, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण कोल सीम में या किसी भी प्रकार की रॉक में का विस्थापन हो जाना, टूट के अलग हो जाना, उसको बोलते हैं फॉल्ट। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, एफएफ, फॉल्ट प्लेन, ठीक है। ये क्या है, फॉल्ट प्लेन है, ये कोलसिम है, मान लो ये कोलसिम है कोयला वाले है तो, ठीक है। और ये कितना दूर हट गया, मान लो ये सीम यहां रहना था तो यहां के बजाय कहां आ गया, यहां गया, तो कितना वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल सीम आर रॉक बेड इज नोन एज थ्रो ऑफ द फॉल्ट। थ्रो किसको बोलते हैं, सीम का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसको बोलते हैं थ्रो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल सीम आर एनी रॉक बेड इज नोन एज थ्रो। ये वर्टिकली कितना ऊपर था उससे कितना नीचे आ गया, वर्टिकल डिफरेंस कितना हुआ। और ये क्या है, ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, एंड दिस हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल सीम आर रॉक बेड इज नोन एज हीव, क्या बोलते हैं इसको, हीव, एच ई ए वी ई, हीव, ठीक है। वो अपन माइनिंग में एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ते, फ्लोर उठ जाता है उसको, वो अलग चीज है, ठीक है, ये दूसरा चीज है, ये हुआ। और ये हेड क्या हुआ, ये हेड क्या हुआ, ये हेड है एंगल, एच ए डी ई हेड, क्या लिखते एच ए डी ई हेड, ये एंगल है, किसके किसके बीच में एंगल बना बेटा बताओ, ये फॉल्ट प्लेन है और ये थ्रो के बीच, थ्रो मतलब वर्टिकल प्लेन, थ्रो क्या है, वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन एंड ये फॉल्ट प्लेन के बीच जो एंगल बना इसको बोलते हेड, क्या बोलते हैं इसको, हेड, ये एंगल जो बना इसको क्या बोल रहा है, हेड। एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड थ्रो आर वर्टिकल प्लेन इज नोन एज हेड। तो आपको जो वाटर डेंजर प्लान दिखाइएगा उसमें आपको जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस दिखाना है और फॉल्ट का अमाउंट भी दिखाना है, उसका डायरेक्शन दिखाना है, साथ में हेड भी दिखाना है, ठीक है। ये हो गया एक बात अंडरग्राउंड डिटेल। दूसरी बात क्या दिखाना है,
वर्किंग ऑफ द माइंड दिखा रहे हो, पोजिशन ऑफ वर्किंग, पोजिशन ऑफ वर्किंग ऑफ द माइंड, माइंड के पोजिशन का वर्किंग दिखाना होगा। एवरी बोरोल एंड सॉफ्ट विद डेथ स्टेपल पीट क्रैश कर ड्राइव एंड प्रोसेस एयर प्रोसेस कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है वो दिखा दिया। इसके अलावा क्या दिखाएंगे बेटा, ज्योलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, आपका वर्किंग्स को दिखा दिया, पोजिशन वर्किंग्स को दिखा दिया, जितने अंडरग्राउंड के आपके क्या थे स्ट्रक्चर्स है मोटा मोटी उनको दिखा दिया। और क्या दिखाना जरूरी है, और क्या दिखाना जरूरी है आपको, हम अंडरग्राउंड प्लान बताए थे ढेर सारा चीज कि बाबू ये सब दिखाना है, ठीक है। तो वही सब चीज जो जरूरत का चीज है उसको यहां पर आपको दिखा देना है अंडरग्राउंड डिटेल्स को। तो सब पूरा पूरा चीज उसमें तो बता दें कि फायर स्टाफिंग भी दिखाएंगे, ठीक है फायर सील दिखाएंगे, फायर सील को तो उतना सब चीज नहीं दिखाना है, जो जरूरत का चीज है, जो वाटर से संबंधित चीज है जिससे पानी घुस सकता है। ये क्या है, पांच प्लेन जो होता है विद प्लेन होता है, इससे पानी माइन के अंदर में इन कर सकता है, इसलिए फॉल्ट प्लेन के दोनों तरफ जो होता है हम क्या करते हैं हेवी सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां से गैस मिलने का संभावना रहता है, यहां से पानी का संभावना रहता है। तो ये आपका वाटर डेंजर प्लान खत्म हुआ। एक लास्ट में एक चीज ले लीजिए, हम एक क्वेश्चन पूछे थे ग्रुप में बच्चे लोगों को, उसका हमको मालूम था कि आधा आदमी गलत आंसर देगा, क्योंकि मेरा बेलेसर सुपर धमाका पार्ट टू जो एनसीएल के टाइम पे था वो नहीं देखा होगा। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा था, ये आपका वाटर डेंजर प्लान खत्म हो हाँ विद द बैरियर, बस इतना बार पूछा था, और चार गो डिफरेंट टाइप के हमने ऑप्शन डाल दिए, हमको पता था कौन कोई बच्चा अंदाजी में कैसे कैसे लिखा। जो रेगुलेशन 122 है 122 उसमें क्या बोला है कि आपको जो आपका बाउंड्री है उससे आपको आधे पिलर के दूर ही वर्किंग को रोक देना है, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पिलर, मतलब पिलर 30 मीटर का तो 15 मीटर दूर आपको रुक जाना है। और बगले एक और माइन है, या बगले में कोई एक दूसरा सेक्शन चल रहा है, दूसरा पैनल चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो बैरियर के लिए एक ही प्रावधान रहेगा। तो मान लो ये इधर एक माइन है ए, इधर दूसरा माइन है बी, या कोई एक डिस्ट्रिक्ट ए है डिस्ट्रिक्ट बी है, तो यहां पर पिलर का मान लो डेप्थ जो है पर्टिकुलर डेप्थ के लिए 60 मीटर गहराई के लिए अलग पिलर का साइज होगा, जो हम रेगुलेशन 111 में ट्रिक के साथ बताए हैं, 100 मीटर होगा तो अलग होगा उस पर्टिकुलर डेप्थ पर। हमने वही बच्चा लोग नहीं लिख रहा था, हमने लिख दिया था एक एक नंबर ऑप्शन ऐसा दिया था, वन पिलर हाफ पिलर वन पिलर एट पर्टिकुलर डेप्थ, ये सही आंसर है। उस पर्टिकुलर डेप्थ पे 60 मीटर पे, तो जो 60 मीटर के लिए जो पिलर का डिस्टेंस है लेंथ है उतना बैरियर रखेंगे, तो आधा पिलर इधर से मान लो 30 मीटर, तो ये 15 मीटर पहले, ये 15 मीटर 30 मीटर का पिलर इस पर्टिकुलर यदि मान लो हमने मान लिया तो 15 मीटर ये हुआ, और इधर से ये 15 मीटर ये छोड़ेगा, तो 15 और 15 कितना हो गया 30, एक पिलर का तो डिस्टेंस हुआ, बैरियर का जो मोटाई रहेगा थिकनेस ऑफ बैरियर जो रहेगा वो वन पिलर तो रहेगा, लेकिन किस कब सब मतलब वन पिलर बोलने से काम चलेगा नहीं, उस पर्टिकुलर डेप्थ पर जो एक पिलर की मोटाई होगी उतना आपका बैरियर का मोटाई रहेगा, यह पूछा था, और यही हमने 122 में भी बताया होगा, ठीक है। और यह बात बैरियर का दो माइंड के बीच के बाउंड्री के लिए भी लागू होगा, यह बैरियर पैनल के लिए भी लागू होगा, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो